गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जो सयाहों में बहुत मकबूल हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जो सर्दी के मौसम में बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मायल करते हैं। आज हम आपको गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद ऐसे ही 5 मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्दी के मौसम में इंतहाई खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं। नंबर 1, कचूरा लेक्स एंड शांग्रीला। सर्दियों के दौरान कचूरा झीलों में आसानी से जाया जा सकता है, जो कि स्कर्दू एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। कचूरा में 2 झीलें मौजूद हैं, जिसमें अपर कचूरा झील और लोअर कचूरा झील, जिसे शांग्रीला झील भी कहा जाता है। लोअर कचूरा झील के आसपास बहुत से होटल्स मौजूद हैं, जहां आप बल्ती डिशेस जैसे सूप्स और नूडल्स से लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 2, हुंजा वैली। वादी हुंजा पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत और दिलकश वादी है। हुंजा वादी पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में वाकया है। हुंजा की वादी हैरत अंगेज वादी है, जिसमें बहुत से खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी मौजूद हैं। हुंजा वादी सयाहों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज है। पूरी दुनिया के सयाह हुंजा वादी जाते हैं और यहाँ के हसीन और दिलकश मनाजिर को इंजॉय करते हैं। नंबर 3, नलतर वैली। नलतर वैली गिलगित शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। ये मौसम सरमा में देखने के लिए बेहतरीन जगह है। आपको नलतर का सफर करने से पहले मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप सुबह के वक्त नलतर वैली जाएं और शाम को वापस गिलगित चले जाएं। यहाँ पर स्की रिजॉर्ट और चेयर लिफ्ट भी मौजूद हैं, जहाँ पर हर साल गिलगित बल्तिस्तान से टीम्स आती हैं। नंबर 4, स्कर्दू वैली। स्कर्दू पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान का एक शहर है और स्कर्दू ज़िले का दारुल हुकूमत है। ये 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी खूबसूरत वादी है। स्कर्दू आसपास की झीलों और पहाड़ियों के साथ ये पाकिस्तान में सयाहत का एक और अहम मकाम है। स्कर्दू शमाली इलाकों का सबसे बड़ा ज़िला भी है। नंबर 5, खपलू वैली। मौसम सरमा में देखने के लिए खपलू एक और हैरत अंगेज मकाम है। ये स्कर्दू शहर से 103 किलोमीटर दूर वाकया है। खपलू वैली में सर्दियों के दौरान कुछ ही होटल्स खोले जाते हैं। खपलू पाकिस्तान का एक सर्द शहर है, जहां मौसम सरमा में दर्जा हरारत -18 तक जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।